हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ DGS कोर्स का ई लर्निंग कैसे करें और कोर्स करने के लिए इनरोल पहले कैसे करें। सबसे पहले आपको फायरफॉक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में DGS ई लर्निंग सर्च करना है। DGS ई लर्निंग सर्च करने के बाद आप पहला लिंक पे क्लिक करें। पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इनरोल नाउ का बटन दिख रहा है, वहाँ पे आपको इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। अगला पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इंडोस नंबर आपको डालना पड़ेगा अपना। इंडोस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना DOB चूज करना होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, जो आपको अभी रिफ्रेशर करना है कि फ्रेशर करना है, कौन सा कोर्स करना है आपको, वो कोर्स आप चूज़ कीजिए आपके अनुसार। जो आपको अभी ज़रूरत है करने की, वो कोर्स को आप चूज़ कीजिए। जैसे कि मैं सारा कोर्स कर चुका हूँ जो जो मुझे अपना ज़रूरत है। अभी मुझे ऑयल टैंकर का कोर्स करना है, तो ऑयल टैंकर के लिए मुझे 5111, यहाँ पे देखिए कोर्स 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 का नाम और नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करके जस्ट आपको ये कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको क्लिक कर देना, वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका नाम, आपका ईमेल आईडी रजिस्टर है, जो आपका मोबाइल नंबर सब यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा एक एनरोलमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, आपका कितना घंटा कोर्स करना वो दिखाएगा। और यहाँ पे आपको देखिए आपको एक मेल पे एक पासवर्ड गया होगा, वही आपका लॉगिन पासवर्ड होगा। अब आपको फिर यहाँ पे से आपको यहाँ पे फिर जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, और ये जो पासवर्ड है वो मेरा मेल पे आया था। वो मेल पे आने के बाद आपको यहाँ पे डालना है, वहाँ से कॉपी करके या लिख के वहाँ से नोट करके यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद आपको कैप्चा डालकर यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे साइन इन करना है। यहाँ पे ई लर्निंग के लिए आपको 5 मिनट बाद ओपन होगा ये लिंक। यहाँ पे आपको पहले साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक टाइम अलॉटमेंट दिया जाता है, उस टाइम के पीरियड आपको आपका अपना फेशियल वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि मेरा अभी अभी टाइम हो रहा है 9:36, बट 5 मिनट बाद का 9:41 का ये दिया है मेरा फेशियल वेरिफिकेशन। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद।